हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स। तो हम लोग आज की वीडियो में ट्रेजरी बिल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, थ्योरी बेसिस पे भी और प्रैक्टिकल बेसिस पे भी, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ कि ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है यार कि क्या मतलब है ट्रेजरी बिल्स का। तो ट्रेजरी बिल्स का मतलब अगर हम लोग समझें तो ट्रेजरी बिल्स आर गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स एक्चुअली, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैक किए जाते हैं, एंड दे आर मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें भी शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म यानी कि एक साल से कम समय के लिए। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है। और गवर्नमेंट डायरेक्टली तो इशू करते नहीं है, सो गवर्नमेंट बैंक करती है। गवर्नमेंट की बैंक कौन है? तो आरबीआई। तो आरबीआई इस चीज़ को गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करती है। तीन टेन्योर्स के लिए इशू किए जाते हैं टी बिल्स, जो कि हैं 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। तो यही तीन टेन्योर्स के लिए ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। अब अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो यार ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा एज अ बॉन्ड्स इशू किए जाते थे पहले, एंड दैट एज स्टार्टेड बाई यूएस वॉज फ्रॉम वन वीक, एज लो एज वन वीक। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं की जाती, इंडिया में मिनिमम 3 मंथ्स के लिए रखा जाता है। तो ये चीज़ यूएस में बेसिकली स्टार्ट की गई थी, एंड यही चीज़ इंडिया में भी होती है ऑफ कोर्स, नो डाउट। एंड लेकिन यहाँ पर तीन टेन्योर्स के लिए होती है खाली, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। तो ये तो यार रहा टी बिल्स का मतलब, ट्रेजरी बिल्स का मतलब। अब होते क्या हैं टी बिल्स, इशू कैसे किए जाते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स एक्चुअली डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको ट्रेजरी बिल्स खरीदने पर। ट्रेजरी बिल्स एक्चुअली आपको डिस्काउंट में मिलते हैं अपने पार वैल्यू पे, यानी कि 100 रुपए का अगर एक ट्रेजरी बिल है तो वो आपको 3% 5% डिस्काउंट पर मिलते हैं, यानी कि 97-95 रुपीस पर मिलते हैं। एंड उसके बाद मैच्योरिटी के समय यानी कि 91 डेज, 182 या 364, जितने भी टेन्योर के लिए आप खरीद रहे हो, उस समय आपको उस 100 रुपए का मैच्योरिटी का वैल्यू अपने मिल जाता है। तो इट्स लाइक यार आपने 95 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में आपको वो पे मिल जाएगा, पे बैक मिल जाएगा, यानी कि 5 रुपए का फायदा। सो इट्स अ स्मॉल अमाउंट, कोई वैसा बहुत बढ़िया नहीं होता ही अपना इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज यार गवर्नमेंट बैक्ड है। तो एक तरह से आप समझो कि आपको पैसा गारंटीड है, आपको मिलना है, तो इसलिए वो बहुत कम एक तरह से इंटरेस्ट पे आपको मिलता है। सो लोग इसको प्रेफर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज उसमें आप डाइवर्सिफाई करते हो, आपका पैसे जो है वो सेफ हैं। भले ही आपको शॉर्ट टर्म है लेकिन पैसे आपके सेफ हैं, साथ में आपके कंट्री के इकोनॉमी से या फिर कोविड आ गया या कुछ भी हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये चीज़ इशू किया गया है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको कहा गया है। तो यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है या फिर बैंक की तरह नहीं है कि यार तुरंत परसेंटेज घटा दिए इंटरेस्ट रेट्स के या एफडीज के, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो एक बार फिक्स कर दिया गया, जिस प्राइस पे इशू किए गए हैं, वो प्राइस आपको मिल जाता है। ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें गौर करने वाली है वो ये है कि ट्रेजरी बिल्स यार अगर आप 91 डेज के लिए ले रहे हो और आपको 5% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 100 रुपए का आपको 95 रुपए में मिल जाएगा 3 महीने बाद ही। इट्स लाइक कि यार आपको जो 5% डिस्काउंट है वो एनुअली कैलकुलेटेड है, यानी कि अगर आप पूरे एक साल के लिए उसको रखोगे तो आपको वो 5% डिस्काउंट पे मिलेगा। अगर आप इसे सिर्फ 90 डेज के लिए रख रहे हो यानी कि एक क्वार्टर के लिए, तो क्वार्टर पे आपको 5/4 यानी कि 1.25% ही आपको डिस्काउंट के तौर पर मिलेंगे, जस्ट बिकॉज कि आपने 91 डेज का टेन्योर सेलेक्ट किया है। बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है यार कि सर मैंने तो 91 डेज का लिया है आपको टी बिल, लेकिन मुझे 5% क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ 1.25% क्यों मिल रहा है। तो ये चीज़ या फिर 3% के हिसाब से या 1% के हिसाब से जो भी होता है, तो उन्हें यही चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है। तो ये चीज़ भी गौर करने वाली है, अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप ट्रेजरी बिल खरीदते हो तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए कि आपको यही सर्टेन परसेंटेज पे अपने टेन्योर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट दिया जाता है, एक्चुअली नॉट इंटरेस्ट। तो यही चीज़ है। तो बेसिकली लोग खाली अपना एसेट एलोकेशन, एक तरह से आप कह सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए लोग ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आप अपने आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे गौर करते हो तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो सेव करने के लिए लोग डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, इसीलिए ट्रेजरी बिल्स भी चलन में है। ठीक है, तो यही है यार ट्रेजरी बिल्स, जो कि आप एक तरह से थ्योरी भी और प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कहीं भी आकर के मुझसे क्लियर आउट कर सकते हो। अब मैं थ्योरी में अगर बात करूं तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में एक कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं अगर बात करूं यार तो ट्रेजरी बिल्स में एक्सप्लेन करने के लिए
ज़बरदस्ती बढ़ाने के लिए वीडियो में फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या कंपैरिजन मैं डाल सकता हूँ, लेकिन इट वुड नॉट बी ऑफ एनी यूज़, क्योंकि अगर आप इसको थ्योरी पर्सपेक्टिव से जान रहे हो तो यार टी बिल्स आपको शॉर्ट टर्म में ही आएंगे, मतलब शॉर्ट मार्क्स के लिए ही आएंगे, तो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मनी मार्केट के लिए डिफाइन कर रहे हो, देन आप इसके अलावा भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है आप उनको डिफाइन कर सकते हो, जो कि मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ है शॉर्ट टर्म और कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, एक्चुअली मनी मार्केट के वीडियोस में और कैपिटल मार्केट के वीडियोस में मैंने ये चीज़ समझाई हुई है। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर कर दो यार, कर दो, और साथ में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो नो डाउट, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे पता चले कि क्या फीडबैक है आप लोग का, कैसा और चाह रहे हो आप वीडियोस, किस किस टॉपिक्स पे चाह रहे हो। वो चीज़ जब तक बताओगे नहीं यार तो समझ में नहीं आएगी, एंड मैं आप लोग के लिए एक तरह से वीडियोस बना रहा हूँ कि और अच्छा नॉलेज मैं प्रोवाइड कर सकूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी इन डूइंग दैट। सो मिलते हैं तब तक और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।